तो परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे तोड़ रहा हूं लेकिन मैं तुझे बढ़ाऊंगा भी और मैं तुझे बांटूंगा भी। आज जो वचन आप मेरे मुंह से सुन रहे हो ये उसी गवाही का कारण है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। तो थैंक्स करें जब वो आपको तोड़ता है, क्योंकि उसी समय फिर वो आपको बढ़ाता भी है, क्योंकि उसने आपको सिर्फ ब्लेस करने के लिए नहीं बल्कि ब्लेसिंग का एक चैनल होने के लिए चुना है। मेरा बिलीव है आज जब आप इन वर्ड्स को सुनेंगे आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। आज हम सुनेंगे लूका की पुस्तक उसका 4:16। प्रभु यीशु मसीह जब नासरत में आए जहां वो पाले पोसे गए थे, तो अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन परमेश्वर के आराधनालय में उन्होंने बाइबल को वचन को पढ़ने के लिए वो खड़े हुए। तो उसमें लिखा 17 में यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उन्हें दी गई और उन्होंने पुस्तक को खोला, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पुस्तक को खोला तो वह जगह निकली जहां पर लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पे है कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, इसलिए भेजा है मुझे कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूँ और कुचले हुओं को छुड़ाऊँ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। लेकिन ये लेख लिखा कब गया था? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले यह लेख लिखा गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लेख लिखा गया, लेकिन बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो वचन आया तो परमेश्वर ने कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। ये एक रेमा वचन था, और परमेश्वर के वचन की जो सेवकाई थी, परमेश्वर की आत्मा की जो सेवकाई थी, उसकी शुरुआत कहां से हुई? एक वचन से। चाहे वो परमेश्वर का एक लौता बेटा था, इसी काम के लिए दुनिया में आया था, लेकिन आपको आत्मिक अगर रूल्स मालूम नहीं हैं, आप जितनी मर्जी परमेश्वर के खासम खास हों, आप बड़े किसी पास्टर बिशप के बेटे हों, आपका स्ट्रगल कोई रोक नहीं सकता अगर आप वचन से, आपको ये मालूम नहीं कि कब क्या करना है। जीसस क्राइस्ट ने जब वो वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। वो कह रहे हैं, ये तो 700 साल पहले की तू वचन पढ़ रहा है, भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है। तब नया नियम तो होता नहीं था, क्योंकि अभी मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना जो आप पढ़ते हो अभी तो लिखा जाना था, अभी तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी सेवकाई को शुरू भी नहीं किया था। तो शुरू कैसे हुई? परमेश्वर ने उस वचन को अंगीकार किया, उस वचन को जो 700 साल से लिखा तो गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। आज एक विश्वासी ये समझता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर कोड़े खाए तो वो चंगा हो जाएगा, पर क्या कहाँ लिखा है ये? अगर उस विश्वासी को कोई पूछे कहाँ लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ के वचन को पर्सनलाइज किया है? क्या कभी वचन को अपना बनाया है? सारा लिखा हुआ वचन इंसानों के लिए है, लेकिन वो सबकी लाइफ में पूरा नहीं होता जब तक आप उस वचन को व्यक्तिगत रूप में अपना नहीं बनाते। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे जीसस क्राइस्ट ने जब ये वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा, आज ये लेख पूरा हुआ है। क्या लेख? कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और परमेश्वर की सेवकाई उस दिन से शुरू होती है। लंगड़े चलने शुरू होते हैं और अंधे देखने शुरू होते हैं और मुर्दों में जान आने लगती है, परमेश्वर के सामर्थी काम प्रकट होने लगते हैं। बाइबल कहती बहरे सुनने लगते, अंधे देखने लगते, चारों ओर हाहाकार मच जाती, लोग हजारों लाखों की गिनती में परमेश्वर के पास आना शुरू हो जाते हैं। कहां से शुरुआत हुई? एक वचन से। जब मेरी लाइफ में मुश्किलें थी, प्रॉब्लम्स थी, वचन ने ही मेरी लाइफ की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं मसीह में तो था लेकिन मेहनत नहीं करता था, लेकिन आस पूरी प्रभु से रखता था कि परमेश्वर मुझे हील करे, ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए। तो एक दिन पवित्र आत्मा, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे बाइबल पढ़नी जरूरी होती थी अपने मेंटली अपसेट के अटैक से फ्री होने के लिए, तो वचन में आया परमेश्वर ने कहा, 1 कुरिन्थियों 15:58 में जब हम पढ़ते हैं, हियाव बांधो और दृढ़ रहो क्योंकि तुम्हारा
परिश्रम जो है मसीह में वो व्यर्थ नहीं है। ये वचन किसके लिए था? ये वचन उस समय ये एक लोगोस वचन नहीं था। लोगोस वचन बोलते हैं, ये सारा वचन जो लिखा हुआ है इसे लोगोस बोलते हैं। रेमा वचन बोलते हैं जब एक वचन आपके लिए आपको चुभ जाता है, आपको लगता है कि नहीं ये वचन आज खास परमेश्वर का आत्मा वचन से मुझसे बात कर रहा है। उसमें लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, कि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जब यह वचन मैंने पढ़ा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि अगर तुझे तू जानता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता, तो ये बात मेरे अंदर चुभ गई। मैंने कहा, मैंने बहुत से काम किए हैं, बहुत सी मैं जगहों पर गया हूँ अपनी हीलिंग के लिए, लेकिन मेरा कभी भी परिश्रम, ऐसा नहीं किसी ने कहा कि तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। सब बोलते थे बस ये करो, लेकिन तुम चिंता मत करो रिजल्ट की। लेकिन ये कौन सा परमेश्वर है जो ये कह रहा है कि तेरी मेहनत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा? तो ये बात मेरे अंदर इतनी मुझे उस दिन मालूम था कि ये वचन लोगोस नहीं पढ़ रहा हूं, ये वचन रेमा बन गया है। रेमा वचन तब बनता है, यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई रेमा वचन से। मेरी सेवकाई का टर्निंग पॉइंट कहां से शुरू हुआ? रेमा वचन से। रेमा वचन कैसे बनता है? एक लोगोस रेमा कैसे बन सकता है? मान लो आप बाइबल में लिखा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन जब तक आप उस वचन को पर्सनलाइज नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का मतलब, कई लोग पढ़ते हैं कि अच्छा वहां लिखा है, मैं बाइबल को उठाता हूं पढ़ता हूं, एक टोटके की तरह आप पढ़ते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, प्रभु जी मैं तेरे कोड़े खाने से। ऐसा वचन काम नहीं करता। वचन को रेमा बनाने के लिए आपका परमेश्वर के साथ संबंध होना जरूरी है। रोज जब आप परमेश्वर के साथ संबंध को बनाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, आपको रोज रेमा वचन नहीं मिलेगा। प्रभु दे सकता है, प्रभु मुझे देता है रोज, लेकिन वो एक अलग लेवल है। आप एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, आप लंबा समय प्रभु के साथ बिता लेते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप शुरुआत में होते हैं, वो रोज आपसे, आपको रेमा वचन नहीं देता, पर वचन रोज आपसे बात करता है। बोलते हो, अच्छा ये करना है, माता पिता की इज्जत करनी, अच्छा मुझे झूठ नहीं बोलना, विचार नहीं करना, वो प्रभु बात करता है। लेकिन कई बार एक वचन आपके लिए रेमा बन जाता है, वो जीवित हो जाता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये आज प्रभु ने मुझसे खास बात की है। माहौल आपका स्पिरिट में चेंज हो जाएगा, आपके अंदर कुछ लाइट सी आपके जगेगी। अब वचन को पढ़ेंगे कि ये वचन आज प्रभु ने मुझसे बात की, फिर उस वचन को आप अंगीकार करेंगे, उस वचन के अनुसार आप चलेंगे। लेकिन ये सारी घटनाएं तब होती हैं जब जीसस क्राइस्ट के लाइफ में हुई। मैंने अपनी लाइफ में इसको देखा है, ये तब होता है जब आप ऑलरेडी परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर चुके होते हैं।